सामने आए, अच्छी बात नहीं है, 50 से अधिक चेहरा सामने आना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम एमए पाठ बीए पाठ थार में भी एक विद्यार्थी प्रताप जी को भी देख रहे हैं, हमको लग रहा था कि हमारा जो आज का संचालन कौन करेगा, कैसे होगा, तो मैंने देखा कि उनमें भी विद्वता है, वो भी जो है प्रोसेस या कर्सी कहिए तो सभी बातों को जानते हैं, है ना, किस तरह से जो है मंच को संचालित किया जाए, विद्यार्थियों को किस तरह से उत्साहित प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षकों को किस प्रकार से जो है उनसे आशीर्वाद लेने की आशीर्वाद आशीर्वचन की वाणी कैसे प्राप्त किया जाए, ये सभी गुण उनमें भी आ रहा है। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा चाहता हूं, और उसके साथ साथ और भी विद्यार्थी इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़े। आपको पुस्तक देखना नहीं पड़ेगा, आपने जो आज अध्ययन रेडिकलिज्म पर जितने शिक्षकों और विद्यार्थियों से स्वयं से आपने जितना ज्ञान पाया, अगर उन्हीं सबों को दो दो अक्षर लिख लें तो निश्चित रूप से आपको जो है आपको पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, पुस्तक से भी ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, पुस्तक में भी इतनी बातें नहीं लिखी, ठीक है। और रेडिकलिज्म एक ऐसा शब्द है जिस पर आप जितना कहें कम होगा, कोई शब्द या कोई विचार पुस्तक में आने में देर लगती है, ठीक है। देर क्यों लगती है, तो वहां बहुत सारी तर्क वितर्क आता है, बहुत सारी निरीक्षण परीक्षण होती है, बहुत सारे विश्लेषण होता है, उसके बाद उसको प्रमाणित करना पड़ता है, क्या यह पाठ्य पुस्तकों की विषय हो सकती है, यह पाठ्य पुस्तक की सामग्री हो सकती है, तभी जो है वो अध्ययन के सामग्री के रूप में आता है। आप अनुमान कीजिए कि स्वतंत्र भारत के पूर्व किस प्रकार का रेडिकलिज्म रहा होगा, हम लोग केवल पुस्तक में पढ़ते हैं, शिक्षकों से जानते हैं, क्या है अंग्रेज और भारतीय, अंग्रेज क्या रहेंगे आकाश पर, भारत कहां रहेगी पताल पर, है ना, उनको जो है डंडा खाना पड़ेगा, है ना, उनको जो है हल चलाना पड़ेगा, उनको सब काम करना पड़ेगा, और वो क्या करेंगे टिक टिक घोड़े पर जो आपको दौड़ाते रहेंगे, ये भी एक रेडिकलिज्म का आधार था, जिसके जिससे बचने के लिए हमने जो है यूनाइट होकर के स्वतंत्रता की आंदोलन शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन का क्या अर्थ हुआ कि हम सभी स्वतंत्र हैं, हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो रेडिकलिज्म जो शब्द आया 1970 में, तब तक हमारा स्वाधीन भारत जो है कहां पहुंच गई थी, तो हमने जो है स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जो रेडिकलिज्म है उसके अंतर को नहीं मिटा सके, हम सबको स्वतंत्रता नहीं दे पाए। आज भी 2 महीना पहले आप समाचार पत्र में पढ़े होंगे, कोल्हान में एक क्षेत्र है जहां लोग चाहते थे हमको अलग राज्य बना दो या अलग देश ही दे दो, झंडा गाड़ दिया, उसका झंडा भी गाड़ दिया, वो जो है लोग जो है अपने पृथक जो है एक संविधान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगे, ये भी एक रेडिकलिज्म है, हम आपसे अलग हो जाएंगे। क्यों अलग होंगे भाई, आपके साथ मेरी समानता नहीं है, क्यों समानता नहीं है, तो उसके पीछे बहुत कारण है, क्या कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, ये सभी कारण मिल करके रेडिकलिज्म उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार आज कश्मीर में इतनी लड़ाई हो रही है, ये भी एक रेडिकलिज्म। हमारे झारखंड में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम झारखंड में एक झारखंडी और दूसरा कोई गैर झारखंडी है, इसका भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, ये भी एक रेडिकलिज्म है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, मुख्य कारण है हम असमान हैं। असमान कैसे हैं, तो सभी दृष्टियों से, और आज जो दिखने वाली दृष्टि है वो जीवन से, वो जीवन स्तर कैसा है। रेडिकलिज्म का जो आज दिखलाई पड़ता है वो है लाइफ स्टाइल। आप एक को देखिएगा, सब्जी बेच रहा है, वो लाखों खर्च करने के लिए उसके पास अक्षम होता है, और दूसरा तरफ देखिएगा उसके पास 10 एकड़ जमीन है, दवाई लाने के लिए 10 रुपया नहीं, तो ये रेडिकलिज्म, उसके पास इतनी संपत्ति होते हुए वो क्षमता नहीं है जो कि लाइफ स्टाइल को दिखा सके, और इसके पास कुछ नहीं है, कहीं से सब्जी खरीद के लाया और बेच दिया, और वो जो है उससे ज्यादा अपना लाइफ स्टाइल को दिखा रहे, देखो हम तुमसे अच्छा है, हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, समय पर खाते हैं, है ना, सब कुछ उसका जो है एक्टिविटी ये भिन्न प्रकार है, ये रेडिकलिज्म। आप सभी में भी, विद्यार्थी में अभी रेडिकलिज्म मेंटल क्रिएशन हुआ, क्यों, तो राहुल जी ने बहुत अच्छा बोला है ना, समीमा ने बहुत अच्छी बोली, संकेत ने बहुत अच्छा बोला,
प्रताप कितना सुंदर जो है एंकरिंग कर रही है, हमें क्यों ऐसी क्षमता नहीं है, आप में ऐसा क्यों भय हो रही है? ये मेंटल रेडिकल है ना, आप में भी ये जो है दुर्बलता है कि आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पाए, है ना। आप में भी अगर कोई मान लीजिए आपके साथ पढ़ रहा है, आप जान रहे हैं कि वो जो है हमारे साथ ही पढ़ता है लेकिन वो टॉप कर गया, आप नीचे आ गए तो आपको मन में लगता है कि वो कैसे टॉप कर गया, लेकिन उसके आप गुणों को विचार नहीं किए कि वो कैसे किया। ठीक है, आप जो है प्रताप जी को मैं ये मंच दे रहा हूँ, वो अपना कुछ बात को रखेंगे, और जब प्राचार्य महोदय आ ही रहे हैं, तीनों चले गए लाने के लिए, आते ही हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको गुलदस्ता दे देंगे, उनसे चाहेंगे कि दो चार बातें हम लोग हमारा विद्यार्थी को कहे ताकि आपका परिचय और विद्यार्थी का परिचय हो जाए, और उसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रगान गा के सभा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल उनको आने में देर है, और मैं चाहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य, उसके बाद सीधे हम लोग घर चले जाएंगे। ठीक है, आइए बताओ।